हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभय जी के ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें। उस वीडियो में हमने संविधान सभा के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे की प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे के प्रश्न। आज का 21 नंबर क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है। लेकिन इससे पहले के वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम बोलेंगे आज का 21 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी मैसूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन नंबर सी तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन नंबर डी पंजाब से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज 23 नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बुलाना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। 24 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन नंबर ए समान अधिकार, ऑप्शन नंबर बी सर्वमताधिकार, ऑप्शन नंबर सी सीमित मताधिकार और ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्गीय मताधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? ऑप्शन नंबर ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, यह है क्वेश्चन। अब ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इसका सही आंसर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसद ने, ऑप्शन नंबर सी भारतीय संसद ने और ऑप्शन नंबर डी गवर्नर जनरल ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 28 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन नंबर ए 1945 में, ऑप्शन नंबर बी 1946 में, ऑप्शन नंबर सी 1947 में और ऑप्शन नंबर डी 1948 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1946 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 10 जून 1946, ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946
ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 और ऑप्शन नंबर डी 26 दिसंबर 1949। फ्रेंड्स, जब तक मैं चुप रहता हूँ तब तक अगर आपको उस प्रश्न का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी लाहौर में और ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी है भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का 32 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1949 को और ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1946 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के 34 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बी एन राव, ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 35 नंबर क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी। तो इसका जवाब आप सबको पता लग ही गया होगा, नहीं लगा तो मैं बताता हूँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप जाके इससे पहले 34 नंबर क्वेश्चन को देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें, आपको भी जवाब पहले से ही पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 36 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी और ऑप्शन नंबर सी रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन नंबर डी वेनेगल नरसिंह राव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेनेगल नरसिंह राव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी एस राधाकृष्णन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर बी एन गोपाल स्वामी आयंगार और ऑप्शन नंबर सी एच ए बिग
और ऑप्शन नंबर डी टीटी कृष्णमाचारी। आई होप मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एच बिग। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियाँ नियुक्त की थी। क्वेश्चन फिर बोल देता हूँ, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियाँ नियुक्त की थी। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 13 और ऑप्शन नंबर डी 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप यानी मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई। ऑप्शन नंबर ए 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन नंबर बी 11 जून 1947, ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947 और ऑप्शन नंबर डी 16 दिसंबर 1947। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग वीडियो को देखते नहीं हैं, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम आने वाली अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।